नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। करबद्ध होकर प्रणाम करता हूं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी किसी से भी नमस्ते करो या दिन में जब पहली बार मिलते हो तो हाथ जोड़कर ही नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति भी यही है। जब हम एकदम सामने वाले में, क्योंकि वैसे भी नर में नारायण बसता है, हम कबीर आदि में सुनते हैं कि कण मतलब एक ही माटी के सब गढ़े हुए बर्तन हैं हम, यानी हम सब में परमात्मा का अंश है, तो करबद्ध होकर ही मिले। खैर, ज्ञान की बातें नहीं चाहिए सर, आज तो वैसे भी बहुत टेंशन है कि रीट में हुआ नहीं वगैरह नहीं हुआ, है ना, ऐसा ही चल रहा होगा। इन चीजों को इग्नोर करो, असफलता होती है। अगर आंसू आ रहे हैं दो मिनट आंसू बहाओ और आगे बढ़ो, मेरा तो यही है सिद्धांत। क्योंकि आपके रोने से ना तो किसी को फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपको खुद को पड़ेगा या थोड़ी फैमिली को पड़ेगा। और रही बात असफलता, अभी एक पिछले काफी दिनों एक मित्र हैं चंद्रबान सिंह जी, उन्होंने अपनी असफलताओं की एक लिस्ट बनाकर शेयर की थी व्हाट्सएप पे, काफी शेयर हुई थी ग्रुप में, आपने अगर देखी हो तो बढ़िया है। उन्होंने वेट किया कि मैं बताऊंगा एक दिन सफल होकर कि देखो मैंने भी इतनी असफलताएं देखी। ठीक है, ऐसे ही आज आपको जो दिखाई दे रहा है कि भाई ये यूट्यूब चैनल पर, कईयों को तो पहली बार में सफलता मिल गई और वो अपना मतलब एकदम डींगे हांकने लग जाते हैं। लेकिन हमें सफलता घिस घिस कर मिली है, यूं मान लो। मैं भी कि उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब, जिस दिन मैं आपको बता पाऊंगा कि मैंने भी कितनी असफलताएं देखी है। तो आप असफलताओं से ना निराश हो। और मैंने आज एक बात जो बोली है कि सफलता असफलता जो होती है सफलता का एक पार्ट है, हिस्सा है। जीत उसी की होगी जो नियमित संघर्ष करेगा। जब मैं एकेडमिक 10th तक पढ़ाता था तब भी मैं एक बात बोलता था कि कोशिश करते रहो, कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। ईमानदारी से कोशिश करते रहो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कल हमने काव्य गुण पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने काव्य गुण पढ़े, आज हमारी 89 नंबर क्लास है। मुझे अगले आंकड़े में जाते जाने का एक्साइटमेंट है बहुत ज्यादा कि चलो बहुत जल्द हम 90 वाली सीरीज में प्रवेश करेंगे। और एक बात मैं फिर कहने जा रहा हूं आपसे, हिंदी पॉइंट पर जो भी टेस्ट अपलोड हो रहा है उसे जरूर जरूर देवें। मैं ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं अपलोड करता, मैं टॉपिक वाइज बहुत बढ़िया क्वेश्चन मतलब अपलोड कर रहा हूं। आप ये 89 नंबर क्लास है, आप एक नंबर से डेली दो दो देखोगे तो भी बहुत जल्द बराबर आ जाओगे। कल जो 4th टेस्ट हुआ था, जो आदिकाल संपूर्ण पाठ्यक्रम का, उसका रिजल्ट भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो इस बार आप नाम कुछ नए देखोगे। एक ये नाम जो है वो लगातार आपको देखने को मिल रहा है 33-34, बहुत बढ़िया बात है। इस बार सुनील छीपा, 160 नंबर का टेस्ट था, उसमें से 150.96% फर्स्ट रैंक, बहुत बहुत बधाई। पूजा दवे, ये नाम भी बहुत बार पहले आ चुका है अपने 3 टेस्ट में। भावना कुमारी, कमलेश रानी, पिंकी मीणा भी नाम आ चुका है, अनिता सिंह भी नाम आ चुका है, सीमा चौहान, आरती 33-74, ये मैडम भीलवाड़ा के हैं, है ना, और ये ऑफलाइन स्टूडेंट ही है, भीलवाड़ा से आए हुए हैं बीकानेर पढ़ने के लिए, शायद ये वही हैं। शाहिना बानो, संगीता सामोता, प्राची, सीता, उमा, निर्मला, संजय, इस तरह से आप लावण्यक राणा, बिल्कुल रेगुलर क्लास देखते हैं लावण्यक, बहुत बढ़िया बात है। और ये जो नाम रोज रोज मैं इसलिए लिस्ट लाता हूं, एक दिन ऐसा है कि जब ये नाम मुझे मैसेज करे कि सर मेरा सिलेक्शन हो चुका है तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और आगे देख सकते हैं आप, संपत, सरोज, जितेंद्र, सपना, अरविंद, अरविंद कुमार, आप एक मेहनती स्टूडेंट हो इसमें कोई संदेह नहीं है, 15 मिनट में टेस्ट दिया 22। ये जो यहां पर आता है ना ये बेस्ट आता है, ये एकदम सही है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं मैं उनसे यही कह रहा हूं, अगर आप लोग ईमानदारी से मेहनत करके टॉप 10 में लगातार आ रहे हो या टॉप 20 में लगातार आ रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, इस बात को आप गांठ बांध लें। ममता चौधरी, नीरू कुमारी, रामकिशोर, एजीएम, रेखा, पिंकी, योगेश, ज्योति, हनुमान, अजय, अजय बहुत पीछे है इस बार, सुमित्रा, शिवप्रिया शर्मा भी पीछे है इस बार, 37 नंबर पे लगभग, उग्रसेन 39 पर है, युधिष्ठिर, सुरेश कुमार, सुशीला राठौड़, अंजू 43, राजेश बैरागी और कौशल्या, नेहा कुछ गुड़गांव से, बहुत बढ़िया बात है। देखिए मतलब वो स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं जो आउट ऑफ राजस्थान से, आप में से कितने हैं भाई आउट ऑफ राजस्थान,
गुड़गांव है सुनीता, गजेंद्र सिंह, राजकुमारी, ममता, जसप्रीत सर, मीनाक्षी है ना, ये रहा नाम, देखिए 56वीं रैंक है। क्लासेस पे कंसंट्रेट करो। अरे वो लक्ष्मण कहाँ है आपका नाम? इस बार श्रीराम की शायद तबीयत खराब है, लक्ष्मण नाम नहीं दिखाई दिया मुझे भाई। हाँ लक्ष्मण, देखो जो ज्यादा कमेंट करेगा उसका नाम हाईलाइट रहेगा और फिर यहां हम खोजेंगे नाम। बसंती, विष्णोई, विष्णोई, निकिता, अंकित, हाँ इस बार नहीं आया भाई नाम, देख लीजिए। लक्ष्मण गलत बात है ये, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं और आपका नाम अगर नहीं आएगा तो आनंद नहीं आएगा। मोहम्मद रज्जाक, अर्जुन चौधरी, राखा, राखा है क्या, रेखा होना चाहिए था, रेख, संजू, राजबाला, दुर्गा, प्रीति, ये इस बार 60% से कम, मात्र 116 ही हैं, पिछली बार लगभग 193 थे। टेस्ट जो है लापरवाही खुद बरतते हैं। भक्तिकाल का टेस्ट जब तक मैं अपलोड नहीं करता हूं, अगर मान लो एक दिन लेट कर दिया कोई दिक्कत नहीं, अब भक्तिकाल का टेस्ट अपलोड हो चुका है, आज सुबह 12 बजे कर दिया था दोपहर में, तो आपके पास कल तक का समय है, आप कल तक भक्तिकाल जो है वो निश्चित रूप से उसका टेस्ट दे। 75 क्वेश्चन है सगुण धारा के, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, लिखे नहीं, उनको लिखने की कोशिश ना करें, मैं आप तक पहुंचा दूंगा, हिंदी पॉइंट में मैं आप तक पहुंचा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। चलिए अब हम बढ़ते हैं काव्य रीति। आपने काव्य गुण पढ़ा था, काव्य गुण किसने कितने काव्य गुण माने, आपने सब कुछ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रीति। हमने पढ़ा था रीति क्या है, काव्य को, काव्य की अभिव्यक्ति, काव्य को किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाए उसका एक तरीका है और उसकी उसकी एक रीति है, परंपरा है। वही रीति काव्य में जो पदों की रचना होती है अर्थात शब्द योजना को रीति कहते हैं। जैसे शरीर में अंगों की गठनी यानी जो अंग विन्यास है होता है, वैसे ही काव्य में रीति होती है। बिल्कुल एक तरह से जो वाक्य टॉपिक है ना गद्य में, वाक्य टॉपिक कि पहले कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है, उसी तरह से काव्य के अंदर भी पहले क्या चीज आएगी, फिर क्या चीज आएगी, वो एक तरीका होता है। रीतिरात्मा काव्य कहकर वामन ने रीति संप्रदाय की स्थापना की थी सबसे पहले वामन ने, और वामन ने एक परिभाषा दी कि बोला रीति क्या है। इन्होंने कहा विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशिष्ट पदों को सही तरीके से रखना ही क्या कहलाती है, रीति कहलाती है। एक परिभाषा और दी कि विशेष गुणात्मा गुण विपर्यात विपर्यायत मानव दोषा, है ना, विशेष गुणों से युक्त के विपरीत अगर जो चीज होगी, ये दोष की परिभाषा है जो हम आगे पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा काव्य दोष होगा। दंडी से पूछा कि भाई रीति कितने प्रकार की होती है, दंडी ने सीधा बोल दिया गौड़ी और वेदर भी, यानी दंडी पांचाली को रीति नहीं मानते, दंडी ने सिर्फ दो ही रीति का उल्लेख किया। जब वामन से पूछा कि भाई आप बताओ रीति, आपने बोल दिया रीति रात्मा का अवश्य, लेकिन रीति होती कितनी है, तो इन्होंने कहा साहब वेदर भी, गौड़ी और पांचाली नाम की रीति भी होती है। तो वामन कहता है कि तीन प्रकार की रीति होती है, तीन रीतियां होती है, वेदर भी नाम क्यों पड़ा, गौड़ी नाम क्यों पड़ा, पांचाली नाम क्यों पड़ा, इन तीनों का नाम क्यों पड़ा, उसकी चर्चा हम अभी करेंगे थोड़ी देर में। रुद्रट से पूछा भैया तू बता कि रीति कितनी है, तो रुद्रट कहता है कि भाई रीतियां चार है। बोला कैसे, बोला वेदर भी, गौड़ी, पांचाल ठीक है, लेकिन लाठी रीति को भी विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, लाठी रीति रुद्रट की ही देन है, यानी लाठी रीति को रीति में शामिल करने का प्रयास जो है वो रुद्रट ने ही करवाया था। रुद्रट ने रीति का संबंध विषय वस्तु और रस से जोड़ते हुए रीति का प्रयोग, अब एक बात यहां से प्रश्न निकल जाता है कि मान लो निम्न में से किस जो ये क्या कहते हैं इनको विचारक या जो क्या बोलते हैं इनको कवि, कवि बोलेंगे क्या, या फिर इनको क्या बोलेंगे, रचनाकार बोलेंगे, या अच्छा हाँ ये शब्द याद नहीं आ रहा था, देखो हो जाता है कई बार। तो ये जितने भी आचार्य हैं, प्रश्न आ गया निम्न में से किस आचार्य ने रीति का संबंध विषय वस्तु और रस से जोड़ा। अब हम उस वक्त सोचने में पड़ जाएंगे कि रीति कितनी है, क्या है, ये तो सर ने बताया था, लेकिन रीति का संबंध विषय वस्तु और रस के जोड़ते हुए, मतलब रस रीति का संबंध विषय वस्तु और रस से किसने जोड़ा था, ये आपको याद नहीं आएगा। और एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आते हैं, टफ आते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कल का लेटेस्ट, जैसे कल मैं यहाँ पर करवा रहा था अपने ऑफलाइन बैच में प्रयोगवाद पढ़ा रहा था, तो प्रयोगवाद पढ़ाते समय अज्ञेय पढ़ाया, तो अज्ञेय में बताया कि चिंता, चिंता में दो खंड है, इत्यलम में चार खंड है, और उनके जो नाम है इत्यलम में जो दो खंड है, दो खंडों के नाम, और इत्यलम में चार खंड है, उन चार खंडों के नाम। मैंने ऐसे बोले, मैंने कहा ये चीज जो है खंड कितने हैं इतना याद रख लो, बाकी इसके अंदर खंडों के नाम वगैरह इतना कठिन नहीं पूछा जाएगा।
आगे बढ़ चुके थे। अब जैसे मैंने कहा खंड जरूर याद रखना, कितने होते हैं इतलम में, कितने होते हैं याद रखना। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने प्रश्न पूछा तो खंड सबने बता दिए, लेकिन उन चारों को दो के नाम नहीं बताए। सब चुप हो गए। किस लिए? क्योंकि मैंने कह दिया, मैं कौन अर्थात टीचर, गुरु, गुरु ने कह दिया कि ये नहीं आएगा। स्टूडेंट ने मान लिया ये नहीं आएगा। दुनिया के बड़े से बड़े प्रोफेसर का बच्चा भी अगर कुछ अशुद्ध पढ़ रहा है, अशुद्ध लिख रहा है, और उससे कहा जाए कि बेटा तू ये गलत लिख रहा है, तो वो भी एक बात बोलेगा कि नहीं आप गलत हो, ये मेरी मैडम ने पढ़ाया, मेरे टीचर ने पढ़ाया, मेरे टीचर जो है वो गलत नहीं पढ़ाता, सही पढ़ाता है। यानी दुनिया का बड़े से बड़ा प्रोफेसर का बच्चा भी अपने टीचर को ज्यादा बड़ा मानता है बजाय अपने एक बहुत बड़े प्रोफेसर पिता को, समझ रहे हो। तो टीचर जो बोल देता कि ये नहीं आएगा, तो स्टूडेंट कह देता कि सर ने बोल दिया नहीं आएगा। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ते समय इस प्रकार से एकाग्रता के साथ पढ़ें कि रुद्रट ने चलो चौथी रीति दी है, लेकिन रुद्रट ने क्या किया, रीति का संबंध विषय वस्तु से जोड़ा और रस से जोड़ा। ये जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा विद्वान है। तो यहां से एक प्रश्न बन सकता है, का प्रयोग औचित्य के आधार पर किया। कुंतक ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग दंडी की भांति कर इसे कवि कर्म से संबंधित किया। तो अब क क का संबंध है, यानी निम्न में से किस आचार्य ने रीति का संबंध कवि कर्म से संबंध किया, या निम्न में से किस आचार्य ने रीति को मार्ग कहकर संबोधित किया कि भाई टोटल तीन मार्ग होते हैं, रीति कुछ नहीं होती है। जैसे सुकुमार मार्ग, सुकुमार यानी सुनने में जो बड़ा अच्छा है, सुकुमार नाम से अच्छा कुमार, तो वेदर भी विचित्र गौड़ी, ओज हमेशा विचित्र होता है, आदमी ओज में व्यवहार भी विचित्र करता है, और मध्यम पांचाली जो एक औसत गति में चलती है। तो इसीलिए सुकुमार विचित्र और मध्यम मार्ग, ये तीन मार्ग बताए कुंतक ने, ठीक है। कुंतक प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने रीति या शैली को कविगत माना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि निम्न में से किस आचार्य ने रीति या शैली को कविगत माना है, या फिर इसे यहां कह सकते हैं कि कवि कर्म से संबंध किया। बात वही है, बात सेम है, यहां जो बात है वही बात यहां पर आई है, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुंतक ने तीन मार्ग बताए, सुकुमार विचित्र और मध्यम मार्ग, ठीक है। और कुंतक प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने रीति या शैली को कविगत माना, जबकि भामा और दंडी ने रीति को देशों से संबंधित रूप में वर्णन किया। यानी इन्होंने कहा कि भाई रीति का नाम जो भी रीति पड़ा है वो तो उस देश के आधार पर, उस क्षेत्र विशेष के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा है, ये बात बताते हैं, ठीक है ना। जैसे अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अग्नि पुराण में वहां हमने 18 गुण पढ़े थे, अगर सर अग्नि पुराण में पूछा जाए तो अग्नि पुराण में कितनी रीतियां हैं, तो अग्नि पुराण में चार रीतियों का उल्लेख है। कितनी रीतियों का उल्लेख है? चार रीतियों का। और वो कौन कौन सी है? सेम वही जो रुद्रट ने बताई है, वेदर भी गौड़ी पांचाली और लाठी, इन चार रीतियों का उल्लेख है, ठीक है ना। और भरत मुनि के बारे में अगर बताऊं मैं आपको, तो भरत मुनि के बारे में एक बात याद रखने लायक है, मुझे लगता है पेपर के लायक ये है, भरत मुनि ने रीति को प्रवृत्ति कहकर पुकारा है। क्या कहा है? रीति को प्रवृत्ति कहकर पुकारा है। तो मुझे ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगती है, ठीक है ना। और भामा से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भामा ने रीति के कितने भेद माने, तो दो भेद माने, यानी भामा और दंडी ने दोनों ने दो दो भेद माने हैं, तो ये बात भी क्लियर हो जाती है। दंडी का मैंने बता ही दिया आपको, वामन का हो गया और रुद्रट का हो गया, नवीं शताब्दी में लाठी बताया था, ठीक है। और कुछ रहा थोड़ी, हाँ राजशेखर का अगर मैं आपको बताऊं, तो राजशेखर ने, हाँ ये आ गया, चलिए है, आनंद वर्धन ने रीति के लिए संगठन पद प्रयुक्त किया है, संगठन पद। भोजराज ने अवंती और मागधी, इन दो नए रीति की कल्पना कर रीति की संख्या कितनी बताई? 6 बताई। ये भोजराज वही है जो वहां पर भी 72 गुण बताता है ना, और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 6 प्रकार की रीतियों को बताता है। तो कुल मिला के मतलब ये जो है ना संगठना, ये संगठन नहीं है बल्कि रीति को संगठना कहा है। क्या कहा है? संगठना, सम्यक घटना मतलब होता है सम्यक घटना। और जो आनंद वर्धन ने ये जो संगठना पद मतलब इनको संगठना कहकर प्रयुक्त किया है, इसके साथ ही अगर आपसे पूछे कि आनंद वर्धन ने जो रीति बताई है वो कौन कौन सी बताई है, तो देखो एक बताई है असमासा, ध्यान से समझना,
ये मैं बता रहा हूं किसके बारे में, ये जो संगठन आप बताइए ना, तो एक बताइए असमासा, असमासा रीति, रीति को संगठना कहकर संबोधित किया, फिर असमासा, दूसरे को बहुत इजी है, ज्यादा नहीं है, अल्प समासा, ठीक है ना, दूसरे को क्या बोल दिया, अल्प समासा बोल दिया, और तीसरी बता दी दीर्घ समासा, दीर्घ समासा, तीन प्रकार की रीति बताई, लेकिन तीनों के नाम अलग अलग बताए। अब असमासा में कौन सी आएगी, तो बहुत इजी है, यहां पे आएगी वेदर भी, कौन सी आ जाएगी, वेदर। अल्प समास की बात करोगे तो यहां आएगी पांचाली, क्योंकि पांचाली में ठीक है फिर भी थोड़े बहुत आ जाते हैं, और यहां जो अति समास है यानी दीर्घ समास है, ये गौड़ी रीति, ये आनंद वर्धन ने रीति को संगठना कहकर संबोधित किया, और उसके बाद तीन प्रकार की रीति बताई, असमासा, अल्प समासा और दीर्घ समासा। बात आती है अब राजशेखर की, राजशेखर ने प्रवृत्ति, स्त्री प्रवृत्ति कहा, वृत्ति कहा एवं रीति में अंतर प्रस्तुत किया। सबसे पहले बोला कि सबसे पहले आप जानो, भरत मुनि प्रवृत्ति कह रहा है, कोई इसे वृत्ति कह रहा है, कोई इसे रीति कह रहा है, इनमें अंतर तो समझो। तो राजशेखर अंतर बताते हैं कि प्रवृत्ति मतलब होता है वेश विन्यास के अंतर्गत, प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, वेश विन्यास के अंतर्गत, है ना, वृत्ति मतलब विलास विन्यास के अंतर्गत, और रीति मतलब वचन विलास, यानी ये सारी चीजें अपने आप में अलग है, ठीक है। वचन विन्यास क्या होता है कि आप इसको यूं समझो, क्रमानुसार हर शब्द को तरीके से प्रस्तुत करना, और लास्ट में इन्होंने कहा कि आप इसे क्या कहकर संबोधित करो, रीति कहकर संबोधित करोगे, कहा मतलब इन्होंने एक परिभाषा दी थी, आगे जगह क्या, हां परिभाषा लिखी हुई नहीं है, मैं लिख देता हूं, एक परिभाषा दी थी और लिखा था वचन विन्यास, वचन विन्यास क्रमो रीति, बस छोटी सी परिभाषा दी थी, ये किसने दी थी, राजशेखर ने, कि वचन विन्यास का जो क्रम है वही क्या कहलाता है, वही रीति कहलाता है। राजशेखर ने तीन रीतियों का उल्लेख कर वेदर भी गौड़ी पांचाली के साथ दो रीतियां और जोड़ दी, एक मागधी और एक मैथिली, दो रीतियां और जोड़ दी, मागधी और मैथिली का भी उल्लेख किया। इन्होंने वचन विन्यास के क्रम को क्या कहा, रीति कहा, ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है ना, इन्होंने वचन विन्यास के क्रम को क्या कहा, रीति कहा, यही मैंने यहां बताई है, वचन विन्यास क्रमो रीति। जब शारदा तने की बात आती है तो इन्होंने सौराष्ट्री तथा द्राविड़ी, सौराष्ट्री तथा द्राविड़ी इन दो रीतियों की संख्या में न सिर्फ वृद्धि की बल्कि इनकी संख्या कितनी बता दी, 105 बता दी। यहां पर शारदा तने को तो एकदम खारिज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 105 रीतियां नहीं होती। पंडित विश्वनाथ ने रीति को रस उपकारक माना, भाई रीति को क्या माना, बोला रस रीति का क्या है, उपकारक है, रीति को मतलब रस को बढ़ाने में एक कारक अपना योगदान सिद्ध करता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है ना। कुंतक, कुंतक का तो पढ़ लिया हमने, विश्वनाथ का ध्यान रखना, विश्वनाथ ने रीति को, ये प्रश्न बनता है, ये भी प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस आचार्य ने रीति को रस का उपकारक माना है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ठीक है ना। सर्वाधिक किसने बताई है, सर्वाधिक किसने बताई है, सबसे ज्यादा रीतियां बताई है भोजराज ने, कितनी बताई है, बोला सर बताई तो 6 है, कितनी बताई है, 6। अब अगर मान लो आपसे उस पूछ लिया जाए कि वो 6 रीतियां है कौन सी, तो आप कैसे बताओगे, तो सबसे पहले ध्यान रखो, एक तो अपने वेदर भी है, दूसरी अपने गौड़ी है, और तीसरी अपने पांचाली है, तीन तो गई, अब 4, 5 और 6, तो भोजराज की जो 6 रीतियां हैं उसमें तो बहुत इजी है, एक वो लाटिया है, हाँ उसको उन्होंने लाटिया ही लिखा है, एक अवंती है, बिल्कुल लाटिया अवंती, और लास्ट में एक वो मान ली मागधी, ये 6 रीतियां किसकी है, ये 6 रीतियां है भोजराज, भोजराज ने ही सबसे ज्यादा बताइए देखा जाए तो। बाकी कहोगे सर आप कहोगे ये तो 105 बताइए ना, तो ये इतनी नहीं मानी जाती, याद रखना आपको थोड़ा सा पड़ेगा। एक परिभाषा है उसको आप देख सकते हैं कि पद संगठना रीति रंगा संस्था विशेषगत उपकरणों रसादीना, अर्थात शरीर के अंगों के परस्पर अनुकूल संगठन के समान रस की उपक्रमी पद
संगठना रीति है। तो ये परिभाषा हम पढ़ के आए हैं, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जिसको अपने टेंशन लेने की जरूरत पड़े। देखो कई बार क्या होता है कि मैं भी क्या करता हूं, सही बताता हूं आपको, कि अब जैसे इतना पढ़ाया ना तो थोड़ा सा इसके अंदर फ्लो में चला जाता हूं, तो फिर मैं बीच में कोई दूसरी बात करता नहीं हूं और आपको कई बार बोरियत महसूस होती है। लेकिन पढ़ते टाइम बोरियत महसूस होनी नहीं चाहिए, बल्कि ये तो होना ही चाहिए कि आप उस सिलेबस या उस टॉपिक के अंदर चले जाओ, है ना। अंदर चले जाओगे तो आप निश्चित रूप से कुछ अच्छी चीज याद करोगे, कुछ अच्छी चीज याद करके लाओगे, ठीक है। तो लास्ट में देखो, बामन दंडी ने गौड़ी और बेतरबी को माना, वामन ने इन तीनों को माना, रुद्रट ने इन चारों को माना, कुंतक ने ये तीन मार्ग माने, और भोजराज के मैंने आपको बता दिया। भोजराज का अगर आप देखोगे तो भोजराज ने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, ठीक है, लाठिया, ठीक है, अवंती और अपने मागदी, ये भोजराज की छह बस। तो सबसे पहले तो इन रीतियों के बारे में थोड़ा सा यूं पता हो तो थोड़ा इजी रहता है। इस प्रकार लास्ट में निष्कर्ष क्या निकला, बोला लास्ट में निष्कर्ष ये निकला कि रीति जो होती है वो टोटल तीन ही होती है। कितनी होती है? तीन। वैदर्भी का नाम वैदर्भी क्यों पड़ा? विदर्भ क्षेत्र के आधार पर पड़ा। ये गौड़ मतलब ये जो नाम है और ये पांचाल, तो ये क्षेत्र के नाम के आधार, क्षेत्रों के नाम के आधार पर, क्षेत्रों के जो क्षेत्र हैं उनके नाम के आधार पर इनका नाम रखा गया है। अब आप कहोगे सर ये कौन सा भाग है? देखो जैसे पांचाल, तो ये आप यूं मान लो ये भारत का मध्य भाग, तो ये मध्य भाग से संबंधित है, इसलिए इसे क्या बोल दिया? पांचाल बोल दिया। अब मान लो मागधी का पूछ ले तो मगध क्षेत्र का है, वेदर भी विदर्भ क्षेत्र का है। लेकिन सर मतलब ऐसा पेपर में पूछा जाएगा क्या? नहीं, पेपर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, आप निश्चिंत रहो। आपको इतना ध्यान, बस क्षेत्र के आधार पे नाम है, इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। और यहां पांडित्य प्रदर्शन करने से न तो मुझे कुछ हासिल होगा न भाई ये होगा, आपको लगेगा भाई सर देखो इसके बारे में इतना जानते हैं, बाकी आपके कोई काम की चीज नहीं है। अब हम ये जरूर जानेंगे कि वेदर भी रीति होती क्या है, इसमें क्या क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखो प्राचीन विदर्भ क्षेत्र और आधुनिक बरार प्रांत, बस खत्म कहानी। आपके मन में जो क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो रही है कि सर ये कौन सा है विदर्भ क्षेत्र, ऐसा किसी के दिमाग में आया होगा? 101% आया, इतना अनुभव कहता है। तो यानी आधुनिक जो बरार प्रांत है वो किसी समय काव्य सौंदर्य एवं काव्य कला विकास का प्रसिद्ध निकेतन यानी हुआ करता था स्थान, जहां के कवियों ने काव्य रचना के लिए ललित मार्ग, ध्यान से समझना, ललित मार्ग को आधार बनाया, प्रदेश के अनुसार इसी के फलस्वरूप वैदर्भ मार्ग या वैदर्भ रीति का नामकरण हो गया। जो टोटल तीन रीतियां हैं उसमें यह काव्य की सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम और सबसे प्रमुख रीति मानी जाती है। वामन ने तो इतना तक बोल दिया, ये परिभाषा पेपर में प्रश्न छप सकता है, ध्यान रखना। वामन ने तो इतना तक बोल दिया कि वैदर्भी समग्र गुणा प्राण अलंकृति, ऐसी परिभाषा ऐसा है, चलो ऐसी नहीं है तो भी याद रखो ये रही। वैदर्भी को समग्र गुण से युक्त माना है, यानी इन्होंने क्या कह दिया कि ओज, माधुर्य और प्रसाद, इन तीनों गुणों से युक्त कौन सी विदर्भी नहीं वैदर्भी, ये वैदर्भी रीति जो है इन तीनों गुणों से युक्त है। तो वैदर्भी को समग्र गुणा वैदर्भी कहते हैं तथा इसे वीणा के समान मधुर और विलक्षण कांति युक्त का है। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि आपको वीणा के समान मधुर यानी वैदर्भी रीति के अंदर भी हमें ये याद रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सुनने में बड़ी मधुर है वही क्या है? वैदर्भी रीति है। क्योंकि वैदर्भी रीति का आधार जो होता है वो माधुर्य गुण ही होता है। वैदर्भी रीति का जो आधार होता है वो कौन सा होता है? माधुर्य गुण होता है। जैसे एक परिभाषा है कि माधुर्य व्यंजक, विश्वनाथ कहते हैं माधुर्य व्यंजक वर्णों के द्वारा हुई समास रहित, तो ये गुण हमने कहां पढ़ा था? वैदर्भी में। छोटे छोटे समासों से युक्त मनोहर रचना वैदर्भी है, इसका दूसरा नाम ललिता भी है। ये प्रश्न मैंने कहा था पिछले एग्जाम में या कहीं, और उस दिन ये छपा भी था। देखो मैं फिर बता रहा हूं, मैंने पिछले कई बार आत्मा बोलती है, रीट का जब टेस्ट होना था, मतलब पेपर होना था, उससे पहले मैंने
जो ये अपने नाद सुन रहे, विचार सुन रहे, सेकंड लैंग्वेज में आते हैं शायद, फर्स्ट लैंग्वेज में, तो ये मैंने करवाते समय कुछ पैराग्राफ करवाए थे पेपर में, वो छपे थे पैराग्राफ पेपर में, एज इट इज पैराग्राफ आया था। उसके बाद मैंने जब शिक्षण विधियां करवाई तो मैंने एक दो विधियों पर जोड़ दिया, मैंने कहा ये छप सकता है, वो पेपर छपा था शायद, वो सुग्गा प्रणाली से संबंधित था। इसके अलावा पिछली बार सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में मैंने बार बार कहा था, मैंने कहा नव भक्तमाल जो रचना है ये 100% पूछी जाएगी, उत्तरार्ध भक्तमाल है, या ऐसी कुछ दो चार रचनाएं बताई थी आई थी, और रस निष्पत्ति को लेकर भी मैंने कुछ बताया था और वो पेपर में प्रश्न आया था। तो आप ध्यान रखें, ललिता नाम किसका है, वेदर भी रीति का ही दूसरा नाम है, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि ये जरूरी भी है। रुद्रट, रुद्रट इसके बारे में क्या परिभाषा देते हैं आप ध्यान से समझे, हाँ रुद्रट इसके बारे में क्या परिभाषा देते हैं आप ध्यान से समझे कि समास रहित, तो ये बात तो गुण में है, तथा श्लेष आदि 10 गुणों से युक्त, लो बताओ टोटल 10 गुणों से युक्त, च वर्ग की अधिकता, बहुत बढ़िया बात आ गई, क्या आ गई, च वर्ग की अधिकता से युक्त, अल्प प्राण अक्षरों से व्याप्त सुंदर वृत्ति वेदर भी है। यानी इसका मतलब हुआ हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवां जो अल्प प्राण वर्ण है, ये अल्प प्राण ज्यादा अगर किसी में आ रहे हैं या च वर्ग की अधिकता है तो समझ जाओ वहां पर वेदर भी रीति है, या फिर जैसे अनुस्वार भी है तो भी वहां क्या है, वेदर भी रीति है। वामन व मम्मट इन दोनों ने क्या कहा है, इसे उपनागरिका कहकर पुकारा है। तो यह भी प्रश्न बनता है कि अब कहोगे सर ये प्रश्न कहां बनता है, ये जब थ्योरिकल प्रश्न आता है ना तब ये चीजें काम आती है। वामन व मम्मट इसे उपनागरिका कहकर संबोधित करते हैं। आनंद वर्धन ने वेदरबी को असमासा कहा है, तो आपने ये पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, असमासा दीर्घ समासा देखते हैं हमने कहां पढ़ा था, ये देखो ये रहा, ये किसने कहा, आनंद वर्धन ने संगठना कहकर संबोधित किया और इसे असमासा कहकर भी संबोधित किया है। पूर्णतः समास रहित, पूर्णतः समास रहित, एकदम समास नहीं आएगा, ये जो इतना कंटेंट है ना ये निशुल्क कंटेंट अब असर डालने लगा है लोगों पर। मैं बताता हूं जैसे मेरे पास अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे बीकानेर में स्पेशली बताऊं आपको, तो मेरे पास अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे संदेश आते हैं कि आप है ना थोड़ी अपनी फीस बढ़ाओ ऑफलाइन की, है ना इतनी कम फीस में पढ़ नहीं पड़ेगी, इससे है ना मार्केट खराब, इस तरह की जब बातें आती है ना तब मैं सोचता हूं कि इसका मतलब सबकी नजर तो है कि कोई है जो इस तरह के प्रयास कर रहा है, जिससे एकदम गरीब से गरीब बच्चा भी जो है, जरूरतमंद गरीब मैं कभी नहीं कहता, जरूरतमंद स्टूडेंट भी जो है वो पढ़ पाएगा, कि ऑफलाइन कई बार होता है कि फ्रेशर बच्चों को ऑफलाइन की ज्यादा जरूरत होती है, तो वो चीज होती है। इसका मतलब यही है कि इन क्लासेस का फायदा दिखने लग गया है, अब तुम पर है, सिलेक्शन चाहते हो तो रेगुलर आओ, नहीं चाहते हो मारे जाओगे, बस बात सीधी सी है। इतनी दूर अगर तुम आ चुके हो कि भाई तुम्हारा जो लक्ष्य है वो ये लक्ष्य है और तुम लगभग यहां तक गिरते पड़ते 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 आ चुके हो, अब इतना सा ही तो बाकी रहा है, हासिल कर लो और लहरा दो पता का, थोड़ी ही दूर हो तुम, बस यूं मान लो, ठीक है ना। अब जैसे नए बैच के लिए कब से आने लग गए, लेकिन इस तरह बिठाता भी नहीं हूं, दीपावली मतलब अगले महीने 1 तारीख के आसपास एक नया बैच स्टार्ट करेंगे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का ऑफलाइन, सर आपके तो यहां पड़ी है क्लासेस, हमें जरूरत है क्या, थोड़ा सा मतलब बाहर वालों को अभी आने की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए ये बेस्ट है, लेकिन जो यहां है उन्हें एक चीज है कि कम से कम और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, रिटर्न टेस्ट करने के लिए, मैं कहता हूं अगर मौका है अभी समय है तो सदुपयोग जरूर करना, लेकिन खैर जहां दांत है वहां चने नहीं है, चने है वहां दांत नहीं है। चलिए, राजशेखर ने कर्ण प्रिय गुण का अद्भुत प्रभाव वाली रीति को, इसका मतलब यह हो गया कर्ण प्रिय यानी मधुरता, जिसमें मधुरता का गुण होगा, साथ ही इसे स्थानुप्रास और योग वृत्ति से युक्त रीति भी कहा जाता है। कुंतक ने इसे सुकुमार मार्ग के रूप में वेदर भी रीति को व्यक्त किया है। कितना कुछ लिख दिया, अब तो हमें समझ आ ही गया होगा वेदर भी रीति क्या है। वेदर भी रीति का आधार माधुर्य गुण है, जब आधार माधुर्य है तो जिसको माधुर्य गुण आता है उसको वेदर भी रीति आती है। यह सुकुमार वर्णों वाली है, बिल्कुल है। देखो ये जो है ना ये वो आते हैं जो थ्योरिकल प्रश्न आता है ना, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है, समास रहित अथवा अत्यल्प समास का प्रयोग, अत्यल्प
समास रहित है, अत्यल्प नहीं होते हैं, वैसे इसमें समास होता ही नहीं है, जब समास रहित है मतलब समास रहित है। लेकिन देखो अल्प समासा जो है ना, अल्प समासा ये है पांचाली, ये क्या है पांचाली है अल्प समास, लेकिन ये कह रहा है अत्यल्प समास, यानी अल्प समास नहीं बल्कि अल्प से भी अल्प अगर है तो वो भी इसका गुण है। श्लेष आदि दस गुण, कितने गुण? दस गुण, और कोमल कांत पदावली से युक्त रचना वैदर्भी रीति होती है। अब आप अगर पढ़ोगे ना, तीन पेज में वैदर्भी रीति के बारे में लिखा हुआ है, अगर एक बार अच्छे से रीडिंग कर लोगे दुनिया की कोई ताकत आपका गुण और रीति का प्रश्न गलत नहीं करवा सकती। जैसे अब आप देखिए उदाहरण के, पायन नुपुर मंजु बाजे कटी किंगनी की धनु मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे वन माल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल जे मुख चंद हंसी, चंचल मंद हसी मुख चंद जुनाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। पढ़ने से तीन चार चीजें पता चलती है, एक मधुरता, दूसरी समास रहित, तीसरी अनुस्वार है इसमें, क्या है अनुस्वार है, चौथी च वर्ण की अधिकता है, कि किसकी अधिकता है च वर्ण की अधिकता है। और आपको क्या चाहिए? और आपको कुछ चाहिए नहीं, बस देखन मिसमृग विहग तरु फिरई बहोरी बहोरी और निरख निरख रघुवीर छवि बाड़ी। तो यहां पे एक तरह से जो है मतलब मिलने की मिलनोत्कंठा, मिलने की उत्कंठा है कि नहीं है कंठा, हाँ मिलनोत्कंठा, मिलने की या दर्शन की तीव्र इच्छा है। तो इस कारण से यहां पे पता चल रहा है कि ये माधुर्य गुण है। जैसे लाली बन सरल सरस कपोलों की आंखों में अंजन सी लगती, और कुंचित अलकों सी घुंघराली बन की मरोर बनकर जगती, चंचल किशोर सुंदरता की है कि मैं करती रही रखवाली, रहती रखवाली मैं वह हल्की सी मसलन हूं बनती जो कानों। तो इससे पता चल चुका है, शब्द देखिए लाली सरस गाल आंख अंजन, समझ गए, अलके लटे ठीक है, और चंचल और सुंदरता ठीक है, ये वो शब्द हैं। इन शब्दों से ही मैं पकड़ सकता हूं कि इसमें वैदर्भी रीति और काव्य गुण पूछ लिया जाए तो कौन सा है माधुर्य गुण है, तो फिर आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सम राम हृदय गुनी, और मान हूं मदन दुदुम्बी दीनी मनसा विश्व विजय कर लीनी, मानो पूरा विश्व को विजय कर लिया। तो देखिए कंकण किंकिनी नुपुर धुनी सुनी है ना, हृदय गुनी, इस प्रकार का वर्णन देखते ही पता लग जाता है कि हाँ यहां अनुस्वार है। अच्छा दूसरा मैंने कल आपको बताया था एक, कि अगर इस तरह से अगर कोई संयुक्त व्यंजन है जिसमें पहला पांचवां है और फिर पहला है, समझ गए, संयुक्त व्यंजन में पहले नंबर पे जो वर्ण है जो वो पांचवां अगर है तो समझ जाना कि वहां पे क्या होगा, माधुर्य गुण होगा और वैदर्भी रीति होगी। क्लियर बात है? तो ये भी एक आपको उदाहरण, अगर पिछली क्लास देखी है तो आपको याद आ जाएगी सारी बातें। आगे देखिए गौड़ी रीति, गौड़ी क्षेत्र है बंगाल देश के कवि अलंकार युक्त, यानी यहां अलंकार जीरो के बराबर, शब्दाडंबर युक्त जीरो तथा बंद की प्रगाढ़ता से युक्त काव्य सर्जना करते हैं, उन्हीं के नाम पर गौड़ी रीति का नामकरण हुआ। यह एक ओजपूर्ण शैली है, पंडित विश्वनाथ ने ओजपूर्ण ओज गुण प्रकाशक वर्णों से संपन्न, यानी ऐसे वर्ण जो ओज को क्या कर दे, ओज को संपन्न करे, या फिर यूं कह सकता हूं कि ओज को बढ़ाए अपने अंदर, वो रीति कौन सी होती है, वो होती है ओज ओज गुण से युक्त गौड़ी रीति। ठीक है, इसमें शब्दाडंबर, देखो ये बहुत बड़ी चीज है, आप समझ जाना इस चीज को, ये क्या है, ये खुद कह रही है शब्दाडंबर युक्त है, और वहां पेपर में जब आएगा ना दोस्तों तो आपको शब्दाडंबर मुक्त दिखाई देगा, और वो बेटा क्या करेगा, वो यहां लिख भी मुक्त देगा, और जल्दबाजी में आप पढ़ोगे क्या कि हाँ ये तो गौड़ी शब्दाडंबर मुक्त होती है,
क्योंकि आपको युक्त दिखाई देगा, जबकि वो क्या आपको युक्त दिखाई देगा जबकि वहां लिखा हो मुक्त होगा, बस वो यही कंफ्यूज करते हैं आपको। तो यहां पर देख सकते हो आप शब्दाडंबर व समास बहुल रचना, यहां पे बड़े बड़े समास होंगे वहां गौड़ी रीति है, समझ के बाद ये होती है आपकी गौड़ी रीति। वामन, इसे ओज कांति में शैली मानते हैं, इसे ओज कांति में गौड़ीय कहा है, कोई खास बात नहीं है। मम्मट की एक परिभाषा है, ओज प्रकाश केस्तेस्तु परुष है ना, ओज को प्रकाशित करने वाली जो रीति है वही क्या है गौड़ी रीति है। आनंद वर्धन कहते हैं गौड़ी दीर्घ समास वृत्ति है, यानी दीर्घ बड़े बड़े समास हैं जिसमें समासात्मक रचना की अधिकता होती है। तो फिर निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि ये रहा निष्कर्ष, ओज गुण को व्यक्त करने वाले लंबे समास कठोर वर्णों, कठोर वर्ण यानी ट वर्ग, संयुक्ताक्षरों, संयुक्ताक्षर यानी पहले अल्प प्राण आएगा और फिर प्लस महाप्राण, बताया था ना कल, जैसे दद है ना, जैसे गग, इस प्रकार से संयुक्ताक्षर, क्योंकि पहले पांचवा होगा तब तो वो उसमें चले जाएंगे। द्वित्व वर्ण, द्वित्व वर्ण मैंने आपको बताया था त त ट ट च च, ये होते हैं द्वित्व। युक्त रचना शैली जिसमें होती है उसे गौड़ी या परुषा, पुरुषा नहीं है, परुषा का मतलब ही क्या होता है कठोर, परुषा रीति कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गौड़ी रीति को परुषा भी कहा जाता है और वैदर्भी को ललिता कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है परुषा कहा जाता है। अब उदाहरण देखिए, शब्दाडंबर कूट कूट के भरा हुआ है ना, और कठोर वर्ण समास युक्त वर्ण कूट कूट, कट 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 हिमर कट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावही मुंड कटक कहूं रुंड नटत कहूं सुंड पटत घन, है ना। तो ये एक लाइन अलग है, पहले ये एक लाइन अलग है कि कट कट हिमर कट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावही, है कि नहीं है। आगे नीचे देखिए कि मुंड कटक कहूं रुंड नटत कहूं सुंड पटत घन गिद्ध लसत कहूं सिद्ध हंसत सुख वृद्धि रसत मन, और उसके बाद में कहते हैं कि भूत भूत फिरत करि वृत्त भिरत सुरदूत भिरत तह चंड नचत मग चंड नचत गन मंड रतत धुनि डंड मचत जह इमठानि घोर घमासान अतिभूषण तेज कियो अटल और शिवराज साहि सुख खड़ग बल दलि अडोल बहलो। मैं कहता हूँ इसकी हिंदी आए या ना आए, देखते ही पता लग गया कि इसमें गुण कौन सा है, बोला ओ जो रीति कौन सी है कि बोला गौड़ी। तो ये तो इसमें कन्फ्यूजन है ही नहीं, फिर इसमें कन्फ्यूजन हमें क्यों कर सोचना है। आप देख लीजिए उदाहरण के भय क्रुद्ध जुद्ध विरुद्ध रघुपति, ये देखिए द, ये देखिए, ये देखिए रघुपति श्रोण सायक कसम से कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत कृषे। सुनते ही पता लग गया यहां मधुरता नाम की चीज ही नहीं है, यहां कोई ललिता नहीं है। कि बर, अगला देखिए कि बर से आग जलद जलद जल जाए भस्म सात भूदर हो जाए और पाप पुण्य सद सद भावों की धूल उठे दाएं बाएं और नभ का वक्ष स्थल फट जाए। तोड़ने की मारने की फाड़ने की काटने की जहां बातें होगी वहां वैदर भी नहीं वहां गौड़ी होगी। टुक टुक हो जाए कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो यहां पर आपको देखते ही पता लग गया कि यह समास बहुला है और कठोर वर्णों की अधिकता है, सिर्फ और सिर्फ मतलब मधुरता श्रृंगार दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह कौन सी रीति होगी, गौड़ी होगी। उसके बाद है पांचाली रीति, क्या है पांचाली, पांचाली रीति का संबंध पांचाल प्रदेश से है, पांचाली रीति का संबंध प्रसाद गुण से माना जाता है। माधुर्य तथा सुकुमारता संपन्न तथा लघु समास वाली रीति पांचाली कहलाती है। सबसे पहले इस रीति का उल्लेख किसने किया था, वामन ने किया था। मम्मट से कोमलावृत्ति कहते हैं, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मम्मट ने किसे कोमलावृत्ति कहा, क्योंकि वैदर्भी को उपनागरिका कहा जाता है, वैदर्भी को उपनागरिका कहा जाता है, कोमलावृत्ति जो है वो पांचाली को ही कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। माधुरी तथा सुकुमारता से संपन्न लघु समास वाली है, ठीक है पांचाल प्रदेश की। इसके अलावा कुछ, हाँ पांचाल रीति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। उद्भट इसे ग्राम्यावृत्ति कहते हैं, तो अब प्रश्न आ गया कि पांचाली रीति को किसने ग्राम्यावर्ती कहा है, तो इसने कहा है, किसने, उद्भट ने कहा है। आनंद वर्धन ने मध्य समासा से युक्त पांचाली वृत्ति कहा है, तो हम पढ़ के आए हैं मध्यम मार्ग एक तरह से, है ना। तो आनंद वर्धन ने मध्यम समासा से युक्त पांचाली वृत्ति कहा है। भामा
और दंडी, ये दो ऐसे हैं जो टोटल दो ही रीति मानते हैं, इसीलिए ये पांचाली रीति का अस्तित्व ही क्या करते हैं, नहीं मानते कि पांचाली नाम की रीति होती ही नहीं है, इनका मानना ऐसा है तो पांचाली को रीति नहीं मानते। ठीक है, अब कुछ उदाहरण देखिए कि मधुरा का मुस्क्याती थी, मधुरा का मुस्क्याती थी, पहले जब देखा तुमको परिचित से जाने कब के, तुम लगे उसी क्षण हमको, देखते ही तुरंत समझ में आ रहा है। और आप जानते हैं कि जो पांचाली होती है, पांचाली में सभी गुण होते हैं, सभी गुण भी कह सकते हो आप, ठीक है, इसके अलावा मैं कह सकता हूं सभी रस होते हैं, सभी रस होते हैं, इस कारण से आपको, लेकिन यहां श्रृंगार नहीं है, यहां मधुरता है मगर श्रृंगार नहीं। श्रृंगार और मधुरता में रात दिन का अंतर होता है। मधुरता जो सुनने में अच्छी लग रही है, तुरंत समझ में आ रही है, सरल भाषा में, एकदम सरस और सरल भाषा में लिखी गई है। जैसे एक उदाहरण और बताता हूं आपको मैं कि जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। देखिए बाल्यकाल को परमहंस कहकर संबोधित किया गया है कि परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, यहाँ सम आया हुआ मतलब उपमा अलंकार है यहाँ पर, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, मिट्टी में भरे हुए हीरे कहलाए थे हम, है ना, हम खेलें कूदें हर्ष युद्ध जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। तो जिस, अब यहां पर भी मधुरता है, सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, कर्णप्रिय है, लेकिन ये तुरंत समझ में आ रही है, जैसे सूखी लकड़ी आग पकड़ लेती है, ईंधन आग पकड़ ले, तो इस कारण से चित्त को तुरंत समझ में आने वाली जो चीज होगी वो सारी किस में रखी जाएगी, पांचाली या प्रसाद गुण में रखी जाएगी। आगे और देखिए, अब यहां पे तो आपको थोड़ा ओज नजर आएगा, लेकिन फिर भी वहां पर क्या पांचाली, क्यों, सुनने में समझ कि समर शेष है जन गंगा को खुलकर लहराने दो, अभी युद्ध शेष पड़ा है, समर गंगा को, जन गंगा को खुलकर लहराने दो, और शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो, पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे और समतल पीटे बिना समर की भूमि को नहीं छोड़ेंगे। अब यहां पे आप ऐसे उदाहरण में कंफ्यूज हो कि सर यहां पे तो ओज है, क्या नहीं है, यहां क्या है पांचाली है, मतलब ओज का मतलब यहां असर गौड़ी है क्या, नहीं है, यहां क्या है पांचाली है। तो कई बार इस टाइप के उदाहरणों में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, ओज भले ही हो वहां पर, लेकिन वहां पर वीर रस भले ही हो, लेकिन आपको समझ आ रहा है ना अगर तुरंत की समर शेष है जन गंगा को खुलकर लहराने दो और शिखरों को डूबने और मुकुटों को बहने दो। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर इस प्रकार का आप देख सकते हैं कोई ऐसा न तो समास युक्त शब्द है, न शब्दाडंबर है, न बड़े बड़े शब्द हैं, न कठोर वर्ण है, ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए भले ही इसमें वीर रस है लेकिन यह क्या है पांचाली रीति का उदाहरण है। ये देखिए, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, कि लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। तो यहां पर एकदम सरलता से समझ आ रहा है मधुरता होते हुए भी तो, और सांत्रस है इसलिए हमें यहां पर पांचाली रीति देखने को मिल रही है, ये कितना अच्छा है। अब ये ऐसा उदाहरण भी हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार ये तो श्रृंगार में जाएगा, श्रृंगार में क्यों जाएगा, क्या इसमें श्रृंगार रस है क्या, पहले ध्यान से समझ, या लकुटी अरुकामर या पर राजतिहू पर को, राजतिहू पर को तज डारो, और आठहु सिद्ध नवो निधिको, आठहु सिद्ध नवो निधिको, सुख नंद की गाधेनु चराये विचारो, रसकान कबो इन आंखिन को ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, और कोटिक हूँ कल घोत के धाम करील की कुंजन ऊपर। सबसे पहले ध्यान रखो यहाँ पर श्रृंगार नहीं है, सुनने में अच्छी लग रही है लेकिन ये एक तरह से भक्ति रस है, और दूसरा यहाँ पर क्या कौन सी भावना दिखाई दे रही है, यहाँ समर्पण की भावना दिखाई दे रही है, है ना। तो जहां भक्ति रस होगी, जहां नीति की बात होगी, जहां समर्पण की बात होगी, जहां त्याग की बात होगी, है ना, वहां ऐसी कंडीशन में कि या लकुटी अरु कामर या राजतिहू पर को, तीनों लोगों का राज्य, उस लकड़ी और उस कंबल पर तीनों लोगों का राज्य भी मैं जो है वो न्योछावर कर सकता हूं, आठ सिद्धियां और नौ निधियों का सुख भी नंद बाबा, जो मतलब आठों सिद्धियां प्राप्त करने और नौ सिद्धियां प्राप्त करने पर भी जो सुख नहीं प्राप्त होता वो नंद बाबा की गाय चराने में प्राप्त होता है, रस खान कबो इन आंखन सो ब्रज के, न जाने कब सौभाग्य प्राप्त होगा इस जगह को देखने का, कोटिक हूं कल घोत के धाम करील की कुंजन, करील के वृक्षों के कितना बड़ा महत्व बताया गया है। तो यहां पे लोग इसको मधुरता समझ लेते हैं, जल्दी जल्दबाजी में कर देते हैं,
कीर्तन, जल्दबाजी मत करो। ये भक्ति और नीति की बात जहां होगी, जहां समर्पण की बात होगी, जहां त्याग की बात होगी, वहां निश्चित रूप से कौन सा, और जो तुरंत समझ में भी आएगा, जिसे दो या तीन बार पढ़ने से समझ आ जाएगा, वो वहां पर पांचाली रीति या प्रसाद गुण ही होगा। कंफ्यूजन नहीं होना है। और सर फिर भी कंफ्यूजन होता है तो क्या करें? टेस्ट लेंगे। अभी तक तुम रुक तो जाओ, मैं तैयार कर रहा हूं कंटेंट, मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरा तुम लोग लाइव विजन में आओ चाहे मत आओ, क्योंकि जो आएगा ना उसको फायदा है, बस मैं इतना जानता हूं। ये 1000 स्टूडेंट लाइव अगर नहीं आते हैं ना, तो उनको मैं इतना ही कहूंगा कि उनको बाद में जब रिजल्ट आता है, सिलेक्शन नहीं होता है ना, है ना, जैसे कुछ की प्रॉब्लम है, मैं ये भी बोल देता हूँ, कुछ की प्रॉब्लम है कि वो नहीं देख पाते हैं, तो उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। वो बाद में देख लिया करें रेगुलर विद इन 24 घंटे, इतना आप जरूर करो। उनके लिए एक शर्त है कि वो 24 घंटे में देखें। लेकिन जो नहीं आ रहे हैं ना, वो बाद में जब सिलेक्शन नहीं होता ना, तो रोने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि जब मेहनत करने का समय था तब आप लोगों ने इग्नोर किया। तो अब जब वो बात है ना कि खुशियां मनाने का समय है, जब दूसरों का सिलेक्शन हुआ तब आप रो, तो भले ही रो सकते हो। इसलिए इस लाइव विजन को ईमानदारी से बिना कमेंट किए कंटेंट को समझ के पढ़ें। कई बार आपको लगेगा ये टॉपिक आपके पढ़ा हुआ है, फिर भी देखो उसमें एक बात भी अगर आपको अच्छी सी मिल जाती है ना, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी। उसके बाद देखिए कितने अच्छे के फल फूलों से है लदी डालियां मेरी, देखिए एकदम सरलता समझ आएगी। वे हरी पत्तलें भरी थालियां मेरी, मुनि बालाएं हैं यहां आलिया मेरी, ये आलिया भट्ट की बात नहीं हो रही, आलिया हैं कि तटनी के लहरे और तालियां मेरी, क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, और मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। यानी आज किसी के आगमन पर कि आज तो भाई जो राजभवन में रहने वाले लोग हैं वही मेरे कुटिया में आ गए, तो आज तो मेरी कुटिया नहीं है, आज तो मेरा खुद, भाई राजा अगर कुटिया में आ गया तो वो कुटिया नहीं रही, फिर वो राजभवन हो गया। तो कितना अच्छा वर्णन जहां करता है, मतलब एक तरह से समर्पण, यहां पे भी समर्पण का भाव है एक तरह से। तो ऐसी जगह आप देखते ही पहचान जाओगे कि नहीं भाई, पहले देखो या तो क्या होगा भाई, मैं इसको यूं बताऊं, माधुर्य या ओज और या प्रसाद, ये तीन ही तो होते हैं, इसी से हम वेदर भी, ठीक है, आप जान सकते हैं। इन दो में आप बहुत इजी वे में अंतर निकाल सकते हैं, ये दोनों अपने आप में बहुत विपरीत होते हैं। बोला सर बिल्कुल, ये तो यहां तक तो समझ आता है, ठीक है। अब ये जो प्रसाद होता है, इसमें या तो ये होगा और या ये थोड़ा सा मैच करेगा, लेकिन एक चीज बहुत बड़ी आएगी, वो आएगी सरलता, ठीक है, बहुत सरलता समझ आ जाएगी। दूसरा सबसे बड़ी जो कारण ये होगा, प्रसाद के अंदर सरलता तो होगा ही होगा, सबसे बड़ी जो चीज होगी प्रसाद में, वो अगर आपको कोई नीति, समर्पण, ठीक है, त्याग, ये भावना दिखाई दे, या मधुरता। मधुरता का मतलब ये नहीं है, मधुरता का मतलब ये नहीं है, इसमें जो मधुरता है उसमें क्या होगा आपको, वहां श्रृंगार की फीलिंग होगी। कौन सी फीलिंग होगी? श्रृंगार की फीलिंग होगी। लेकिन यहां क्या होगा? त्याग होगा, नीति, समर्पण, मधुरता, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तब जाकर आपको समझ आएगा कि वेदर भी रीति क्या है। अब आपके दिमाग में वेदर भी चलेगी तो माधुर्य चलेगा, ओज चलेगा तो गौड़ी चलेगी, और पांचाली चलेगी तो प्रसाद चलेगा। बस यही पूरा फैक्ट है रीति के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और क्लास रेगुलर लो, नियमित लो, क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अभी भी लगभग 18% स्टूडेंट हैं वो बिना सब्सक्राइब किए, डेली क्लास डेली ले रहे हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब किए। याद रखें कि आप अगर अच्छाई का सपोर्ट नहीं करोगे, किसी की मेहनत का सपोर्ट नहीं करोगे, तो फिर आप कभी किसी से ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि भाई मेरा भी सपोर्ट किया जाए। ये जो मैं कर रहा हूँ ये आप लोगों का सपोर्ट है एक तरह से। अगर इसे मानो तो मैं गंगा हूँ, न मानो तो बहता पानी। तो लाइक एंड शेयर, सपोर्ट। और भक्ति काल का टेस्ट अपलोड कर दिया है मैंने, 5वां टेस्ट है, और कल जो है वो 6ठा टेस्ट, कल, हाँ शायद कल अपलोड होगा, कल 6ठा टेस्ट भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टेस्ट जरूर जरूर देने हैं। सर नोट्स कैसे मिलेंगे? नोट्स आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसमें आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी होगी, टेस्ट सीरीज के साथ में नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ को आप व्हाट्सएप पे शेयर करें, प्रिंट आउट निकलवाएं और अपनी स्टडी को जारी रखें। बहुत जल्द आपको एक अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, आप तक बहुत बढ़िया किताब पहुँचने वाली है, बहुत जल्द पहुँचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।